अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। अच्छा, आज हम लोग देखेंगे कि बहुत ही आसानी से हम लोग किस तरह से पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा से सब्र रखिएगा, क्योंकि ये सेंसिटिव है, सब चीज़ अच्छे से तरीके से पढ़ पढ़ के भरना है। तो मैं आपको लाइव दिखाने जा रहा हूँ, हमारा ऑलरेडी पासपोर्ट एक्सपायर हो ही चुका है, तो मैं अपने ही ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, अपने ही पासपोर्ट को फिलअप कर रहा हूँ ऑनलाइन। तो आप वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। इसमें दो तरह का मेथड बताया जाएगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ देखिए, ये हमारा चैनल है अपरिचित जून के नाम से। आप यहाँ आके ये लाल बटन को क्लिक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए नई वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइट में जाते हैं, पासपोर्ट ऑफिस के साइट में। ये साइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डायरेक्ट यहाँ से आ जाइए। अगर आप एकदम फ्रेश हैं तो आप यहाँ पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप यहाँ रजिस्टर कर लीजिए। छोटा सा है फॉर्म, इसको भरने के बाद नाम भरना है यहाँ पे, जिस जगह का है, कोलकाता, चेन्नई, मद्रास, मुंबई, कहीं का है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, जो सही होना चाहिए, उसका प्रूफ भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लॉगिन आईडी या पासवर्ड देना है, कन्फर्म पासवर्ड देना है। उसके बाद आपको पासवर्ड मिल जाएगा, आपके मेल में एक लिंक जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको कन्फर्म कर लीजिए। अगर आप, जबकि हमारा यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है, इसलिए हम डायरेक्ट इसमें लॉगिंग होते हैं एग्जिस्टिंग में। यहाँ पर आईडी दीजिए और यहाँ पे कैप्चा आएगा, कैप्चा भरने के बाद आप इस पेज में आ जाइएगा। अब यहाँ पे आके आपको करना क्या है, देखिए इस पेज में आप आ जाइएगा। यहाँ पे जाके करना क्या है कि आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं या रीइशू करवा रहे हैं। तो हम रीइशू करवा रहे हैं, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और रीइशू पासपोर्ट, तो हम रीइशू करवा रहे हैं। तो यहाँ से रीइशू में जाने के बाद आपको मतलब दो मेथड है इसका। एक मेथड ये है कि आप ई फॉर्म को डाउनलोड कर लें यहाँ से, ठीक है, ई फॉर्म को डाउनलोड कर लें और उसको ऑफलाइन में ही फिलअप कर लें। और दूसरा मेथड है कि आप ऑनलाइन से भर लें। तो अल्टरनेटिव टू में यहाँ जाके आपको भरना है, क्लिक हियर तो फिल एप्लीकेशन, इसको ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि स्टेट किस स्टेट के हैं। तो हम वेस्ट बंगाल के हैं, तो वेस्ट बंगाल में करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो हमारा नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यहाँ आने के बाद ऑटोमेटिकली फिर एक नया पेज खुलेगा, यहाँ पे भर लीजिए अप्लाई फॉर व्हाट। देखिए जहाँ जहाँ लाल एस्ट्रिक मार्क्स है, ये देखिए लाल मार्क्स जहाँ जहाँ है वहाँ आपको भरना ही भरना है, ठीक है, ये मैंडेटरी है। तो अप्लाई फॉर व्हाट, तो फ्रेश या रीइशू, तो हम रीइशू में करते हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इफ़ रीइशू स्पेसिफाई रीज़न चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर वैलिडिटी एक्सपायर विद इन 3 ईयर्स, 3 साल पहले वैलिडिटी एक्सपायर हो जा रहा है उसके लिए, ड्यू टू एक्सपायरी के लिए, या पेज डैमेज पासवर्ड, लॉस्ट पासवर्ड, वैलिडिटी एक्सपायर मोर देन 3 ईयर, तो जहाँ पे भी आपको उसको क्लिक कर लेना है। अब इसमें देखिए
एक तो नॉर्मल है, एक तत्काल है। तो नॉर्मल और तत्काल का जो फीस होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो हमको नॉर्मल भरना है। अब वो जो पासपोर्ट जो बन के आएगा उसमें कितना पेज का होगा, 36 पेज या 60 पेज? तो हमको 36 पेज वाला ही चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ ये फॉर्म आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल है, नाम है, मेल है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब है। तो चलिए हम लोग इसको भरते हैं। तो ये वाला फॉर्म भरने के बाद नाम, एज और आपका सब चीज़ भरने के बाद, तो माइनर है, सिंपल सा फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर भर दीजिए, और अगर आप पैन कार्ड नंबर भरना चाहते हैं तो भरिए, और वोटर आईडी कार्ड भरना चाहते हैं तो भरिए। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में जहाँ गवर्नमेंट है जो भी है आप ये कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए इस एप्लीकेंट एजी फॉर नॉन ECR कैटेगरी, तो आप कर दीजिएगा यस, ठीक है। और जानकारी लेना है तो आप क्लिक हेयर टू ऐसे करके इसको पढ़ सकते हैं। तो हम यस कर दिए, और इसके बाद लास्ट में आधार कार्ड नंबर मार दे के इसको वैलिडेट कर लीजिए। जैसे जैसे ये होते रहेगा आपका यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक आता रहेगा, मैंने जैसे जैसे पेज आप भरते रहेंगे, सेव करते रहेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे, इस तरह से आपका ग्रीन 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 होता रहेगा, ठीक है। अब आपको दो ठो एड्रेस देना है, यहाँ पे दो ठो एड्रेस, रजिया ताना और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको दो रेफरेंस देना है, तो दो रेफरेंस में यहाँ पे हम दे देते हैं अपना दोस्त का नंबर और उसका एड्रेस। तो एड्रेस है यहाँ पे, एड्रेस यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे टेलीफोन नंबर, ज़रूरी नहीं है कि सब जगह भरना है। सेकंड रेफरेंस नंबर में और एक हमारा एक दोस्त है, उसका दे देते हैं। मैंने जैसे जैसे आप भरते रहिएगा वैसे वैसे आपका होता रहेगा। छः में ए 27 हैव यू एवर हेल्ड और होल्ड एनी नो Have you ever applied for a passport but not received? No. ठीक है, और थोड़े ही से हैं यहाँ पे, सब आपको नो कर देना है। आप पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ चुके हैं।
अब उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो वगैरह अपलोड करना है, आप कर सकते हैं। यहाँ पर इसे आपको प्रीव्यू दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए, उसके बाद प्लेस, कोलकाता, और यहाँ पे आज तारीख जो है उसके बाद एग्री कर दीजिए। उसके बाद सेव डिटेल कीजिए, प्रीव्यू कीजिए, जो आपका मन हो कीजिए। टोटल देखिए यहाँ पर सब ग्रीन हो गया है, ठीक है। अब नीचे में देखिए क्या है, क्या अच्छा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको SMS के लिए 40 रुपया लगेगा, अगर आपका मोबाइल में अगर SMS है तो। हमको ज़रूरत नहीं है, नो आई डू नॉट वॉन्ट टू इनरोल फॉर पासपोर्ट सेवा SMS सर्विस, ठीक है। इसको हम, और उसके बाद क्या है, आई ऑथराइज पासवर्ड सेवा टू शेयर माई डिटेल, नो, यस शेयर माई डिटेल, नहीं हमको नहीं चाहिए। सबमिट, प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन, यस आई शेयर माई नेम कॉन्टेक्ट, नो आई डोंट, हाँ नहीं चाहिए। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। योर एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ये आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, ठीक है। ये तो था एक मेथड, और दूसरा मेथड, देखिए जो दूसरा मेथड है वो भी एकदम इसी तरह से है, लेकिन इसको हम लोग ऑफलाइन, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, ये फॉर्म को, ई फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने का जब पूरा तरह, जिस तरह से हम लोग ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप किए थे, सेम उसी तरह इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें कोई इंटरनेट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब पूरा फॉर्म आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो आपको जाके इसको फिर से अपलोड कर देना है। तो अब जैसे लॉगिंग होइएगा वहाँ से, उसी का फिर यहाँ से डाउनलोड कर, फिर लॉगिंग होने के बाद यहीं से हुई फॉर्म को अपलोड कर दीजिएगा। इसको क्लिक कर देंगे, यहाँ से चूज़ फॉर्म कीजिए, अपलोड हो जाएगा, एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आया हो, और दूसरा कोई बताना चाहते हैं तो आप ज़रूर से शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।